गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन आज सबसे पहले बात करते हैं एमिनेंट क्लासेस में आरएस 2019 और 20 में होने वाले प्रीलिम्स पेपर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनके लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है। उससे पहले मैं बात करता हूं कि आरएस प्रीलिम्स पेपर के अंतर्गत क्या ड्यूरेशन रहता है, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कितने मार्क्स का होता है। तो प्रीलिम्स का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है जिसके अंतर्गत आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स होता है 200 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राजस्थान। पहला सब्जेक्ट है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, इसके लिए कौन सी रेफरेंस बुक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक के रूप में 9th से लेकर 12th तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है उसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है हुकमचंद जैन, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। फैक्ट को याद करने के लिए, सीधा आंसर पर पहुंचने के लिए आप सबसे जरूरी होता है कि शॉर्ट नोट्स का प्रयोग करो। शॉर्ट नोट्स के रूप में आप एमिनेंट क्लासेस के शॉर्ट नोट्स का प्रयोग कर सकते हो जो सीधा व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर आपको अवेलेबल है। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का काफी लंबे चौड़े सब्जेक्ट है, काफी बड़ा पोर्शन होता है, कितना ही पढ़ो भले ही सिलेबस खूब लंबा होता है। तो इसके लिए अपने को एक छोटी सी और स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि की क्यू बुक के नाम से आती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड बुक है, सारे क्वेश्चन लगभग इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, काफी बड़ा सेक्शन है। ज्योग्राफी का अध्ययन करने के लिए सबसे बड़ी बात तो है आपको मैप अध्ययन बहुत अच्छे से करना होगा। मैप पढ़ने के लिए आप 2 मैप का प्रयोग कर सकते हो, एक तो आता है स्टूडेंट एटलस जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित आप सारा अध्ययन यहाँ से कर सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपके पास मैप बुक 2 आती है, एक तो आती है दक्ष की और एक आती है मुमल की, इन दोनों में से कोई भी एक मैप बुक आप ले सकते हो। फिर अपन बात करते हैं वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के लिए। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप रेफरेंस बुक, 2 रेफरेंस बुक है जिनमें से आप किसी को भी पढ़ सकते हो, एक तो आती है वर्णमाल और दूसरी आती है माजिद हुसैन, इन दोनों बुक में से आप कोई भी एक ले रेफर कर सकते हो। उसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड में लक्षिता मैडम के नोट्स हैं, वो नोट्स पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत हिंदी ग्रंथ अकादमी, वही हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है जो सक्सेना, जिसके राइटर है सक्सेना, जिनकी किताब आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा विजय सियाग सर है, उनके नोट्स आप रेफर कर सकते हो। अगला सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी का ऐसा ट्रेंड रहा है कि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में से और इसकी आपके पास एक ही स्टैंडर्ड बुक है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, एन लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी बुक है, आप सीधा इसको पढ़ो। उसके अलावा आपके पास राजस्थान पॉलिटी के पोर्शन को कवर करने के लिए 2 किताबें हैं, एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है जनक सिंह के नाम से, इनकी किताब पढ़ सकते हो। और राजस्थान बोर्ड में क्लास 11th और 12th पपेट के नाम से किताब आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें से आप राजस्थान पॉलिटी का पोर्शन कवर कर सकते हो। इसके बाद में 5वां सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप सीधा सीधा रमेश सिंह का अध्ययन कर सकते हो। रमेश सिंह के अंदर की कुछ सर्टेन पोर्शन है जैसे चैप्टर 15, चैप्टर 22, इन दोनों चैप्टर के अंतर्गत आप क्या है कुछ परिभाषाएं दी हुई है कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पर्सन को हल करने के लिए आपको पर्सन का मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको छोटी छोटी परिभाषाओं का मतलब समझ में आना चाहिए जो इन 2 चैप्टर के अंतर्गत बहुत ज्यादा परिभाषाएं दे रखी है, आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नाथूराम का नाम की किताब आती है राजस्थान की, जो RBD की किताब है उसका आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछते हैं, कहने को इकोनॉमिक्स हो सकता है, उसके दूसरे सवाल है पॉलिटी के जैसे ज्योग्राफी से संबंधित, वो भी इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछे जाते हैं, योजना से संबंधित सवाल है, करंट इवेंट से संबंधित सवाल है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे में नवीन सर के नोट्स है, नवीन सर के नोट्स रेफर कर सकते हो। अगला सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक। साइंस टेक के लिए आप तो सबसे पहले डॉक्टर मांगीलाल सर है, उनके नोट्स रेफर कर लो, या फिर विजन PT 365 है उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा दृष्टि की एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए दृष्टि की क्यूब बुक आती है वो पढ़ लो।
फंडामेंटल के लिए 9th और 10th एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का पोर्शन पढ़ने के लिए किताब आती है विवास पनोरमा, उसका प्रयोग कर सकते हो आप। अगला सब्जेक्ट आता है आपके पास मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से मैथ और रीजनिंग के पोर्शन लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है वो अच्छी पकड़ बना सकते हैं एग्जाम में, या फिर दूसरे लोग हैं वो भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके लिए आप ओल्ड पेपर हैं, एसएससी के पेपर हैं, एसएससी लेवल के जो इसके सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी पोर्शन है उससे संबंधित आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आप मैथ और रीजनिंग का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा अंतिम और सबसे मेजर चीज है जो हर सब्जेक्ट से लिंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल, मूमल नाम से द्विमासिक मैगजीन आती है वो पढ़ सकते हो, या फिर एक क्रोनोलॉजी नाम से मासिक मैगजीन आती है उसका प्रयोग कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको वीकली करंट के साथ अटैचमेंट रखना है तो एमिनेंट क्लासेस पर बबीता मैम और लोकेश सर के नोट्स अवेलेबल है, जिसका आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, वो पढ़ सकते हो। इस प्रकार से आप हर एक पोर्शन के लिए जो मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप अध्ययन कर सकते हो। लिमिटेड सोर्स रखो, ज़्यादा सोर्स रखने की जरूरत नहीं है, जितने भी मैंने बताए वो मोर देन सफिशियंट है, आप इनका अध्ययन करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसके लिए ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जितने भी लिमिटेड सोर्स है आप उसमें से ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपनी सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो। धन्यवाद।